नमस्कार बंधु, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे अपने शत्रु की शत्रुता को कम किया जाए एवं विनाश किया जाए। वह शत्रु जो हमें कहीं ना कहीं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कठिनाइयां पहुंचाता है, परेशान करता है, मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न देता है, तो कैसे उसकी शत्रुता को कम किया जाए या फिर उसका विनाश किया जाए, इसके लिए हम आपको एक प्रयोग करके दिखाएंगे और बाकी के प्रयोग हम आपको बताएंगे। एक प्रयोग जो सबसे महत्वपूर्ण और कारगर है वह यह है कि आपको क्या करना है, आपको दो बादाम लेने हैं और एक इलायची लेनी है। तो प्रयोग करना है कि आपको सुबह पूजा के वक्त हनुमान चालीसा पढ़नी है, उसके बाद आपको बजरंग बाण पढ़ना है। तो मतलब आपको हनुमान चालीसा के बाद बजरंग बाण का पाठ करना है। उसके बाद जब आप ये पाठ कर लें तो आपको दो बादाम लेने हैं, एक इलायची लेनी है। आप इसको किसी कटोरी में डाल दीजिएगा, साथ ही साथ आप कपूर डाल दीजिएगा। जब आप कपूर को भी डाल देंगे फिर आपको करना है इसको आप जला दीजिए। इलायची देखिए पूरी जल चुकी है, बादाम थोड़ा जलने में टाइम लगाएगा। तो आप पूरा टाइम लगाइए इसको जलाने के लिए। आप देख चुके हैं कि बादाम आधे से ज़्यादा जल चुका है और इलायची पूरी जल चुकी है। अब आप क्या करना है, ये जो दो बादाम है इनको आप किसी ऐसी जगह पर गाड़ कर आ जाएं जहाँ पर कोई इंसान आसपास ना आपको दिख रहा हो। याद रखिएगा, आसपास आपको कोई इंसान नहीं दिख रहा हो और आप वापस आ जाइएगा बिना पीछे देखे, आपको मुड़ना नहीं है पीछे देखते हुए। और जो इलायची है, इलायची की जो भस्म बची है उसका आप तिलक करें व अपने दैनिक काम करें। अब ये जो दो बादाम हो गए हैं, मैं आपको फिर बता दूं, जब ये आधे से ज़्यादा जल जाएं तब आपको इनको बाहर निकाल कर ऐसी सुनसान जगह पर दफनाने हैं जहाँ पर कोई इंसान आपको दिखे, उस समय ना दिखाई दे। ये क्रिया करने से शत्रु तो परास्त होंगे ही, साथ ही साथ आपके जो काम हैं वो भी बनना शुरू हो जाएंगे। तो बंधु, ये हमने आपको एक क्रिया करके दिखाई है। कहीं जातकों ने हमसे बोला था कि आप हमें कुछ क्रियाएं साथ साथ करके दिखाइए, तो हमने एक क्रिया भी दिखाई है। ऐसे ही आने वाले वीडियो में और भी दिखाएंगे बाकी शत्रु को परास्त करने वाले जो हमारे उपाय हैं, अब हम आपको इसी वीडियो में आगे भी बताएंगे। आप देखते रहिए। आइए अब जानते हैं दूसरे सरल उपाय। किसी भी सोमवार को शाम को तीन गोमती चक्र शत्रु का नाम लेकर नदी में बहा दें, इससे शत्रुता कम होती है व समाप्त होती है।
अगला उपाय, शत्रु से परेशानी हो तो सरसों के तेल के दीपक को भैरव जी के सामने 3 शनिवार जलाए बंधु, अवश्य शत्रुता कम होगी। अगला उपाय, 5 प्रकार के फलों के तिलक से शत्रु वशीभूत होता है बंधु, तो मगर याद रखिएगा 5 फलों में से अनार नहीं होना चाहिए, बाकी कोई सा भी फल हो सकता है। अगला उपाय, कभी कभी कुत्तों को भोजन और दूध पिलाएं, इससे शत्रु आप पर कभी भारी नहीं पड़ेगा बंधु। अगला उपाय, भोज पत्र पर काली स्याही से शत्रु का नाम लिखकर भोज पत्र को किसी पीपल की जड़ में दबा दें बंधु, शत्रुता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। अगला उपाय, किसी भी दिन कपूर के काजल से शत्रु का नाम लिखकर अपने पैर से मिटा दें, मगर याद रखिएगा पैर में उस वक्त आपने चप्पल या जूता जरूर पहना होगा। तो बंधुओं, हमने जाना कि कैसे शत्रु की शत्रुता को कम व समाप्त करके प्रयोग भिन्न प्रकार के किए जा सकते हैं व टूट के भी किए जा सकते हैं, आप भी करें व लाभ उठाएं। आपको हमारा प्रयोग खुद करके दिखाना कैसा लगा ये हमें कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं। जो हमने आपको इलायची बादाम वाला कपूर के साथ जला के दिखाया था, वह आपको जो हमने खुद करके दिखाया वह कैसा लगा आप हमें कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं, ताकि हमें पता चल सके कि वह हम आगे भी ऐसे ही हो सकने वाले प्रयोग आपको खुद करके दिखाएं या नहीं। धन्यवाद।